नमस्कार, मैं जिगिसा, जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू मटर चीज ग्रिल सैंडविच बनाएंगे, तो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। तो आप मेरी रेसिपी को जरूर से देखें और फॉलो करें इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम आलू को पानी में बॉईल कर लिए हैं और इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब मैं इसको कद्दूकस करूंगी। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो अब मैं इसमें उबले हुए मटर डालूंगी। मटर को मैंने अच्छे से बॉईल किया है, आप देख सकते हैं, दबाने से ही जल्दी से टूट जाता है एकदम से। तो अब मैं इसको थोड़ा दबा के इस तरह से मैसर से मैश कर दूंगी। इसको हम ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, हल्के फुल्के ही मैश करेंगे, ताकि मटर है वो अच्छे चबाने में ना आए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटर लिए थे और इसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी धनिया और जीरा पाउडर। तो एक छोटी चम्मच धनिया और जीरा पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर ब्लैक पेपर पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। सारे मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सामग्री को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम सैंडविच बनाएंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 पीस ब्रेड लिए हैं। तो ब्रेड के एक पीस पर मैं ग्रीन चटनी स्प्रेड कर रही हूँ। ये ग्रीन चटनी और ब्रेड दोनों होममेड है। इसकी रेसिपी आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लिंक पर क्लिक करके आप मेरी ब्रेड बनाने की रेसिपी देख सकते हैं और ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी भी देख सकते हैं। दूसरी ब्रेड के ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ और ये बटर भी होममेड है। तो अगर आपको होममेड बटर कैसे बनाना है वो आप देखना चाहते हैं तो भी आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं, घी बनाने का आसान तरीका। तो घी बनाने का आसान तरीका रेसिपी में मैंने बटर पहले बना के दिखाया है, तो वहाँ जाके आप बटर कैसे बनाना है घर पे वो देख सकते हैं। तो बटर और ग्रीन चटनी लगाने के बाद मैंने यहाँ पर आलू का स्टफिंग रख दिया है ब्रेड के बीचों बीच, और इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जब हम सैंडविच खाएं तो सैंडविच के हर बाइट्स में हमें सारे फ्लेवर मिले और सारा टेस्ट मिले। तो अच्छे से आलू मटर को मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूंगी। तो चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अगर आप चीज़ को स्किप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अब बटर वाली ब्रेड है उसको मैंने चीज़ के ऊपर रख दिया है और ऊपर से भी हम बटर लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब हम सैंडविच को ग्रिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ऑयल लगा देना है ताकि सैंडविच चिपके नहीं। ये बटर वाला जो भाग है वो मैंने नीचे की ओर रखा है।
दूसरी सैंडविच भी साइड में रख दी है। अब ऊपर से भी हम थोड़ा बटर लगाएंगे ताकि ये लेयर है जो गर्म होने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाए। बटर की जगह पर आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो इसे हम अब बंद कर देंगे। थोड़ी ही देर में हमारी ग्रिल सैंडविच बनके तैयार हो जाएगी। हमारी ग्रिल सैंडविच बनके तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो इसको हम धीरे से निकाल देंगे और एक डिश के अंदर सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।